ਨਾ ਥੁਰੂ ਸੇਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮੱਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਸੋਨਾ ਬੁਰਦੀ ਨਿਆ ਤੇ ਬਦਨਾਨੀ ਯਾਰੋ ਮਾਰੋ ਜਾਨ ਕਾਦੀ चचू मैं तो आपकी मलंगनी जीव जीव कत्ती जावा होन पन्या दुनिया मेरा ये चरखा नौ लखा तुले मेरा ये चरखा नौ लखा तुले मेरा ये चरखा नौ ये चरखा नौ लखा तुले मेरा ये चरखा नौ लखा तुले मेरा आइए शिको साहब आइए ये बैठे और सलाम अलैकुम बाबा जी सलीम देखो कौन आया हमसे नाराज तो नहीं नहीं तो फिर हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया तुम नहीं समझोगे सीकर साहब ये दुआ मांग रहे
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी आप बता सकते हैं अब्दुल अजीज साहब का घर किधर है? वो सीधे हाथ पे चौथा घर। बड़ी मेहरबानी बाबा जी। एक बात पूछूं? हाँ जी बेटा पूछो। बाबा जी आप ये गली में झाड़ू क्यों लगा रहे? बेटा लोग अपने घरों को साफ करते हैं कि नहीं? बाबा जी लेकिन ये तो गली है घर तो नहीं। बेटा ये सारा मुल्क अपना घर ही तो है। अगर हम अपने घर को साफ कर सकते हैं तो अपने वतन को साफ क्यों नहीं रख सकते? है ना सोचने की बात। लेकिन बाबा जी आप तो फकीर हैं लेकिन फिर आपके हाथ में ये झाड़ू। बेटा फकीर तो बड़े बुलंद दर्जा लोग होते हैं। मैं तो सिर्फ एक कामा हूँ। कामा नौकर को कहते हैं। नौकर का काम ही तो बेटा करना होता। वैसे आपने कपड़े फकीरों वाले पहने हैं लेकिन लगता है आप किसी आला खानदान के पढ़े लिखे इंसान हैं। बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, उठ बुलिया चल उठे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पुछाने ते ना कोई सानू मन्ने। बड़ी मेहरबानी बाबा जी हमारे हक में दुआ कीजिए। अल्लाह आपको नेकी की तौफीक दे बच्चा, और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी नेकी की तौफीक दे। बहन जरा बात सुने। जी बोले। हम यहाँ अपने भाई को तलाश कर रहे हैं। हमने सुना है वो यहीं कहीं देखा गया है। बाकी हमने उससे कुछ कहना नहीं, सिर्फ मालूम हो कि वो यहाँ क्या करता है और किस हाल में है। कैसे दिखता है? इतना सकाद है, हम जैसे काले कपड़े पहन के घर से निकला था। हल्की हल्की दाढ़ी भी है। कब से इधर आया? यही कोई 10-15 दिन हुए हैं। यहाँ तो लोग सालों से काम कर रहे हैं, नया कोई नहीं आया। आपने इस तरफ से गुजरते हुए भी नहीं देखा? जी नहीं। अच्छा बहन मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम अलीमुद्दीन। वालेकुम सलाम। भाई सलीमुद्दीन आप यूं गायब हो जाते हैं मुझे फिक्र लगी रहती है। सबसे पूछता पूछता यहाँ आया हूँ, किसी बाबा जी को गुजरते देखा है तब पहुंचा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहीं तो आना है अलीमुद्दीन। अब आपके साथ बहस करना तो फजूल है, चलो घर चलो। भाई घर ही तो आया हूं।
सलीमुद्दीन प्लीज आप और मुझे परेशान न करें। एक तो मैं हिना की तरफ से फिक्रमंद हूँ,